हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे बुलेट की अनबैलेंसिंग के बारे में। सिर्फ बुलेट ही नहीं, कोई भी बाइक हो, जब आपकी बाइक डिसबैलेंस हो जाए, मतलब चलाते समय आपको लगे कि बाइक अचानक से कभी एक साइड से खींच रही हो, फिर आपको लगेगा कि बाइक एकदम से पंचर हो गई हो या हैंडल जाम हो गए हो, सांप की तरह चलेगी आपकी बाइक। डिसबैलेंस के कारण बाइक की कोई कोई नुकसान भी होती है, जैसे कि टायर घिसना, चेन स्प्रोकेट घिसना, ये सब खराब होने की चांसेस रहती है। अनबैलेंस के कारण आप गिर भी सकते हो। आपको जो है इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक करवा लेना है, ठीक है। तो अभी हम आपको इसका प्रॉब्लम दिखाएंगे और सोल्यूशन तक भी लेके चलेंगे। तो हमें बाइक को मेन स्टैंड में रखना है और जो पीछे का व्हील है उसको ऐसे ऐसे करके हिला के देखना है। तो देख सकते हैं हमने जिस तरह से हिलाया है, ऐसे अगर हिलाएंगे तो देख सकते हैं इसका जो पूरा सेटअप है, जो सस्पेंशन का सेटअप है, वो पूरा हिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो सस्पेंशन बूश है वो ख़राब हो चुका है। आपको दिखाएंगे, इसको खोलेंगे और वो खोल के भी दिखाएंगे। उसको निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले इसका व्हील को खोलेंगे, उसके बाद दोनों जो शॉकर है उसको लूज़ करेंगे और चेन का जो लॉक है उसे खोलेंगे और फिर यहाँ पर जो सस्पेंशन का जो मेन एक्सल है उसे निकालेंगे। चलिए आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा वीडियो दिखाते हैं। निकाल दिया इसका सस्पेंशन, जो कि इसे कहते हैं स्विंग आर्म और कोई कोई इसका झोला भी कहते हैं। और ये देखिए झोला का एंड कैप, दोनों साइड में दो कैप लगे हुए हैं और इसके अंदर जो है इसका बूश लगा हुआ है। उसके अंदर भी बूश के अंदर भी एक जो पिन है वो लंबा सा पिन वो भी घुसा हुआ है। तो हम इसको ऐसे हाथ से नहीं खोल सकते जैसे कि अदर बाइक खोलते हैं हम पल्सर वगैरह का, तो इसको ऐसे नहीं खोलते, इसको हाइड्रोलिक प्रेशर से इसको खोलेंगे। ये इसका जेन्युइन पार्ट, इसका प्राइस 434 है और इसको हम अभी हाइड्रोलिक प्रेशर से इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने स्विंग आर्म को जो है फिट कर लिया है। तो आपने देख लिया कि किस तरह हाइड्रोलिक प्रेशर से इंस्टॉल किया बुशेस को। तो अभी हम व्हील वगैरह सब कुछ लगाने के बाद दिखाएंगे कि जो प्रॉब्लम था सस्पेंशन हिलने की वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देखते रहे वीडियो लास्ट तक। दोस्तों देखिए हमने सारा कुछ लगा दिया इसका, जो हमने जो जो खोला था। तो अभी देखिए हमने इसका सस्पेंशन जो बूश था वो भी लगा दिया है। अभी देखिए हम हिला के दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा भी प्लेन नहीं है, देखिए थोड़ा सा भी प्लेन ही है, ये बाइक का स्टैंड की वजह से हिल रहा है। तो दोस्तों देखा इसका जो प्रॉब्लम था हिलने की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा है, इसका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दे और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।